अर्थराइटस के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थराइटस बेसिकली एक एज रिलेटेड डिजीज़ है, जिसको आप डिजेनरेटिव डिजीज़ भी कह सकते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आपकी उम्र बड़ी होती जाती है, आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती जाती है, उसके साथ साथ आपको अर्थराइटस हो जाता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुतहर हुसैन उमर है एंड मैं बाय प्रोफेशन एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अब अर्थराइटस को अगर हम डिवाइड करें तो ये दो डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड हो जाता है। एक इसके कॉजेज डिवाइड हो जाती हैं, एक कॉजेज जो होते हैं वो प्राइमरी कॉजेज हैं और दूसरे सेकेंडरी कॉजेज। प्राइमरी कॉजेज में आपकी उम्र के साथ साथ, लेकिन इसका अननोन कॉज है, हमें नहीं पता ये किस वजह से है, लेकिन उम्र के साथ साथ आपके जैसे जैसे हड्डियों में वेयर एंड टियर आते जाते हैं, उस तरह से प्राइमरी आर्थराइटस आपको होता जाता है। जबकि सेकेंडरी आर्थराइटस में हमारे कुछ डिफरेंट आउट फैक्टर्स इसमें ऐड हो जाते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं ट्रॉमा हो गया किसी को, कोई ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है तो भी उसको आर्थराइटस हो जाता है, किसी को आप में ओबिसिटी है, लाइक वो लोग जो मोटे होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है कि वो लोग ज़्यादा जल्दी उनको आर्थराइटस हो सकता है। अब हर वो पेशेंट जिसको आर्थराइटस होता है, उनकी जो जॉइंट्स होते हैं, जो इन्वॉल्व जॉइंट्स होते हैं, उन पे इन्फ्लेमेशन होगी, टेंडरनेस होती है, उसकी सराउंडिंग के जितने मसल्स हैं वो सारे मसल्स की अमूमन वीकनेस, उनके साथ साथ उन मसल्स की स्टिफनेस वगैरह उनमें पाई जाती है। बाय द टाइम ये जो लोग होते हैं ये आपको प्रेजेंट करते हैं कि हमसे ना चला फिरा जाता है ना कुछ, और हमारे जॉइंट्स पेन करते हैं, नमाज पढ़ने में मुश्किल होती है, इनके जॉइंट से आवाज़ें इवन आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जब हम इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं तो हमें सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम इनके एक्सरेज वगैरह करवाएं। उन एक्सरेज से हमें आपकी हर पेशेंट की जो स्पेसिंग होती है वो कम नज़र आती है उन जॉइंट्स की। उसके अलावा उनके साथ साथ इनमें पेन हमें फील होगी। इसके ट्रीटमेंट वगैरह पे अगर हम जाएं तो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं कि अगर आप उनका एनल्जेसिक्स जैसे पेन किलर दवाइयाँ होती हैं वो इस्तेमाल करें तो पेशेंट अच्छा बेहतर फील करता है जो अर्ली स्टेजेस में होती हैं। बाय द टाइम जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती है तो फिर इसके साथ साथ आपको डिफरेंट मोडलिटीज़ हैं जो जिनके बड़े इम्प्रेसिव रिजल्ट्स हैं, लाइक शॉर्टवेव डायथर्मी वगैरह हम वो यूज़ करते हैं, उससे बेहतरी आती जाती है। कुछ और एडवांस जब ये अर्थराइटस हो जाता है तो उसमें हमें इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस जो होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं, जो कॉर्टिसोन के वगैरह के होते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह के। और एट द लास्ट स्टेज जब फोर्थ स्टेज ऑफ अर्थराइटस आ जाए फिर उसके हल हमारा टोटल रिप्लेसमेंट होते हैं, वो आपका हिप रिप्लेसमेंट हो, वो आपका नी रिप्लेसमेंट हो। अगर आपको अर्थराइटस, मोहरों या किसी भी और मर्ज़ में मुब्तला हैं और आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मेरे पास इन क्लिनिक या ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।